बिना किसी का मर्डर किए शुरू करते हैं वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabil Shah, and you're watching Nabil Verse. अभी तक Nabil Verse को सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you waiting for? तो मैंने देखी अधूरा सीरीज ऑन Amazon Prime और मैं लेके आ गया उसका रिव्यू। 5-point रिव्यू में हम पहले इसकी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टोरी मूवी की ये थी कि कुछ बच्चे हैं, वो 15 साल बाद रीयूनियन करने आ रहे हैं अपने पुराने स्कूल में और वहां पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होंगी और उसी के अराउंड सारी स्टोरी इवॉल्व करने वाली है कि एक नया बच्चा जो कि स्कूल में भी करंटली पढ़ रहा है उसको उनकी पुरानी चीजों का कैसे पता है कि आगे जाके स्कूल में वो क्या हादसे होंगे जिससे पास्ट की स्टोरीज अनफोल्ड होंगी। यही सारी स्टोरी है अधूरा की। डायरेक्शन सीरीज की अच्छी थी, सेट्स ऑब्वियसली क्योंकि ओरिजिनल सेट्स पे जाकर शूट किया गया है तो वो देखने में भी मजा आ रहा था। कास्ट इज प्रीटी डिसेंट। हमें बीच में कालीन भैया की बेगम देखने को मिल रही थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। देन उसके बाद अभी रिसेंटली कौन सी फिल्म देखी है हमने, 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट वाला दूसरा हस्बैंड भी था इसके अंदर और बाकी सारी प्रीटी न्यू कास्ट थी लेकिन अच्छा काम किया है। एक्टिंग ठीक थी, एक्टिंग हाँ सही थी। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी इज प्रीटी गुड, काफी अच्छे तरीके से वो जो एनवायरनमेंट था उसको दिखाने की कोशिश की गई है और मजा आया देखने में। सेट्स क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन पे जाकर शूट की गई है फिल्म तो एग्जॉटिक फीलिंग आती है और आप सिचुएशन में घुस जाते हो। डिटेलिंग इज प्रीटी गुड। बैकग्राउंड स्कोर इतना कोई मेमोरेबल था नहीं। VFX एक दो शॉट्स में, जब VFX का मोस्टली इतना ज्यादा यूज था ही नहीं लेकिन एक दो शॉट्स में जब CGI और VFX को यूज किया गया उसमें वो प्रीटी ऑब्वियस फील करवा रहा था कि वो CGI सीन है। आप एक बॉडी लटक रही है, उसका कोई शेडो नहीं है, बैकग्राउंड इतना क्लीन है, वो सारी चीजें सीरीज से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है लेकिन इतने ज्यादा VFX के शॉट्स ही नहीं लेकिन जहां थे वो पता चल रहे थे तो VFX वाज काइंड ऑफ बैड। अब आ जाते हैं मेरा ओपिनियन ये है कि सीरीज थोड़ी ड्रैग थी, जल्दी खत्म हो सकती थी लेकिन उसको बहुत ड्रैग कर दिया गया। एंड में एक ट्विस्ट भी आता है मर्डरर के ऊपर, वो ट्विस्ट लास्ट एपिसोड में पकड़ लिया था मैंने लेकिन काफी लेट जाके वो मैंने पकड़ा। अच्छा एंड में ना जो मेन प्लॉट था ना वो कॉमिक ही थोड़ा सा हो गया था क्योंकि जो बंदा अपना बदला ले रहा है ना वो एंड में फनी से ही लग रहा था, पता नहीं क्यों यार इतना लंबा खींची जा रहे हैं। 7 एपिसोड 7 थे या 8 थे, बहुत लंबा था यार, इसको 4 एपिसोड में निपटाना चाहिए था। लेकिन ये कि सीरीज ठीक थी, मुनासिब थी, हॉरर तो कह नहीं सकते इसको, बस ठीक थी, हॉरर कर सकते थे इसको थोड़ा सा, सुपर नेचुरल एलिमेंट थोड़ा कम फील हुआ मुझे सीरीज से जो कि और थोड़ा हो सकता था। विलन कॉमिक ही लग रहा था, उसका रीजन बदला तो बदला था लेकिन जिस तरह वो उसको फुलफिल कर रहा था ना एंड में वो फनी सा लगने लग गया था, पता नहीं क्यों कुछ चीजें वो बड़ी फनी सी कर रहा था सबके साथ, सबको मार दूंगा, सबका बदला लेगा ये विलन, किसी को नहीं छोड़ेगा, पप्पीज को भी नहीं छोड़ेगा। वो पप्पीज वाला सीन तो मुझे समझ लगा नहीं, पप्पी को मारना है, उसको भी सबक सिखाना है, सबको सबक सिखाना, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि इतना भी इवल नहीं होना चाहिए था, मतलब तुम इवल ही थे तो तुम कर रहे थे। बाकी मैं सीरीज को दूंगा 2 स्टार, अगर थोड़ी छोटी होती तो शायद ज्यादा अच्छी लगती। और एंड में उन्होंने एंड क्रेडिट भी दिया है अगले सीजन के लिए, पता नहीं वो चलता है कालीन भैया की बेगम के साथ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन ये है कि आ गया तो देख लेंगे। अब मैंने ये सीरीज 3 महीने बाद क्यों देखी, इसका सीन ये हुआ कि मैं जब भी अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता ना अगर मुझे कोई अच्छा सीन दिख जाता है तो मैं वो सीरीज लुका देता हूं। अब इस सीरीज का मुझे एक सीन दिखा जिसमें 2 लड़के होते हैं, बचपन के दोस्त हैं, वो साथ हैं, फिर एकदम से एक दोस्त को दूसरे दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। मैंने कहा यार ये क्राइम थ्रिलर लग रहा है, मैंने बगैर ट्रेलर देखे देखनी शुरू कर दी। अब मुझे क्राइम थ्रिलर बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने बगैर ट्रेलर बगैर कुछ पढ़े शुरू कर दी सीरीज, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये हॉरर सीरीज है तो उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि अगर हॉरर भी थी तो हॉरर जॉनरा को उसने जस्टिफाइड नहीं किया है। छोटे बच्चे की एक्टिंग अच्छी थी, सबकी एक्टिंग ठीक ही थी, काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम था, थोड़ी ज्यादा लंबी थी। तो ये था मेरा रिव्यू, अच्छा लगा है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।